प्रदेश के समस्त जनपदों में आज ये मीटिंग आहूत की जा रही है, जो कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न समस्याएं हैं उनको लेकर के, और ये 23 प्रांतीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक के उत्तर पश्चात लिए गए निर्णय के अनुक्रम में दिनांक 10/10/23 को उत्तर प्रदेश न्यायालय के समस्त कर्मचारी जन अवली कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ संपन्न वर्चुअल बैठक में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत किए जा रहे का संज्ञान न लिए जाने से उत्पन्न समस्याओं के कारण कर्मचारी गण को न्यायालय के हमारे बीच जो है चुने गए हैं और उपाध्यक्ष चुने गए हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हमें जो भी बजट मिलता है वो शासन के माध्यम से मिलता है, जो भी धनराशि स्वीकृत होती है वह स्वीकृत होकर के माननीय उच्च न्यायालय को मिलती है और तदोपरांत माननीय उच्च न्यायालय से सभी जनपद न्यायालयों को समान मात्रा में वितरित किया जाता है। तो मूल स्तर पर शासन द्वारा जब हमारी तमाम सुविधाओं को काटा जा रहा है, तमाम चीज़ों का बजट नहीं दिया जा रहा है और हमसे काम उसी बराबर में लिया जाता है, तो जो आपका प्रश्न है मुझे लगता है कि इसका उत्तर आपको मिला होगा कि शासन बजट आवंटित करता है और जो मेन काम बजट का है और बजट ही नहीं आवंटित होगा तो जाहिर सी बात है हम लोगों के मध्य ये समस्याएं हमेशा विचरण करती रहेंगी। कैसे दूर होंगी ये समस्या? ये समस्याएं हम लोग ज्ञापन के माध्यम से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को, अपने प्रांतीय नेतृत्व को और अपने प्रांतीय नेतृत्व के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समय समय पर अवगत कराते रहते हैं और आगे भी अवगत कराते रहेंगे कि शासन जो हम लोगों से कार्य ले रही है उसी के समान, उसी के अनुरूप वेतन प्रदान करे और उसी के अनुरूप समस्त भत्तों का भुगतान करे। अगर नहीं समाधान होता है तो? देखिए, समाधान पहले हम लोग विधिक तरीके से, सारे विधिक तरीके से ही किसी चीज को हासिल किया जा सकता है और उसके लिए हम लोग ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के बाद भी नहीं कोई सुनता है तो उसके बाद हम लोगों के पास माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। जो ज्ञापन हमने दिया है ये ज्ञापन हमारा प्रदेश नेतृत्व को जाएगा और वो माननीय उच्च न्यायालय को वहाँ से जाएगा। उच्च न्याय विभाग के लोग हैं और आप लोगों को न्याय मानना पड़ रहा है, ये कमी कहाँ है, क्यों रही मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देते हैं? कमी शासन में, कमी शासन में कमी है, क्योंकि शासन जो है ध्यान नहीं देती है। शासन अन्य कर्मचारियों की तरह हम लोगों को भी समझती है, जबकि यहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और वेतनमान बहुत कम है। अन्य कर्मचारियों की जगह प्राइमरी के अध्यापकों को देख लीजिए, 80,000-90,000 वेतन पा रहे हैं, 10 से 5 ड्यूटी उनको नहीं करनी पड़ती, 9 से 3, 9 से 2 करते हैं। यहाँ 20-25 हज़ार रुपये नए क्लर्क का वेतन है और उसमें काम इतना अधिक है, न आवास जल्दी मिल पाता है, ना और कोई सुविधाएं मिल पाती है हमको। उसके साथ साथ जो मेडिकल की भी सुविधा नहीं है, ना के बराबर है, काफ़ी संघर्ष उसके लिए भी करना पड़ता है। नकदीकरण भी समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह से तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर के जब कर्मचारी हमारा कुंठित रहेगा, परेशान रहेगा तो कार्य नहीं कर पाएगा और अगर कार्य प्रभावित होगा तो न्यायालय का कार्य प्रभावित होगा और न्यायालय का कार्य हमारा खुद का कार्य नहीं है, ये हम जनता का कार्य है। इसलिए हम जनता का कार्य प्रभावित नहीं होने देना चाहते, हम खुद कठिनाई सह लेते हैं लेकिन जनता को हम परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि ये कर्मचारी हमारा सोचता है कि जो भी बात कारी आया है वो काफ़ी दूर से आया है, महीने भर से तैयारी करता कि अगले डेट पर हमको जाना है और हमको न्यायालय जा करके कुछ काम करके आना, अगली तारीख पर हम फैसला कर लेंगे, हम विजय पा जाएंगे, लेकिन यहाँ आकर के यहाँ इस चक्कर में फंस जाता है। तो हमारा कर्मचारी हमेशा उस वादकारी के साथ है और उस वादकारी को न्याय दिलाने के लिए और सस्ता सुलभ न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन हमारे माननीय उच्च न्यायालय को और शासन को ये सोचना होगा कि हमारे कर्मचारी को भी उचित सहयोग, समर्थन या जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण करते हुए इस पर विचार किया जाए